हम तो सोचे कि फांसी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन फांसी न होते जे हाकिम क्या जाए अच्छी होते। हम लोग को यही है कि उसको फांसी हो तो हम लोग को दिन में ठंडक मिलेगा। आज से 3 साल 2 महीने पहले इसी गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष को अंजाम दिया गया था, जहां रिश्तों का कत्ल हुआ था और एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और साथ ही साथ गोली लगने से 4 लोग जख्मी हुए थे। सब ऐसी भूखल मर रहे हैं। अच्छा, जमीन का फैसला होना चाहिए। बिहार में जमीनी विवाद में कई परिवार बर्बाद हो गए और आज हम आपको उसी बर्बादी की तस्वीर दिखा रहे हैं जो नालंदा के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में हुई थी। आज से 3 साल 2 महीने पहले इसी गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष को अंजाम दिया गया था, जहां रिश्तों का कत्ल हुआ था और एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक घर से एक पिता और 2 पुत्रों की हत्या हुई थी और दूसरे घर से एक पिता के सामने उनके 2 पुत्र की हत्या हुई थी और साथ ही साथ गोली लगने से 4 लोग जख्मी हुए थे। यानी उस घटना में कुल 9 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग आज भी जिंदा लाश बने हुए हैं। खैर, जो भी हो, ये परिवार के लोग कानूनी लड़ाई लड़े और 2 साल बाद इन लोगों के दिल पर कुछ ठंडक मिली है, क्योंकि उस घटना में जो भी आरोपी थे उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया है और 8 अक्टूबर को उन दोषियों के सजा पर फैसला होगा कि आखिर उन्हें कितना सजा मिलती है। सामने में आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये वही पीड़ित परिवार है। आप समझ ही सकते हैं कि इसमें किसी ने अपने आंखों के सामने से जवान बेटा को खोया है, किसी ने अपने आंखों के सामने में पिता को खोया है, किसी ने भाई को खोया है, तो किसी ने अपने संबंधियों को खोया है। और ये नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में घटना हुई थी। 4 अगस्त 2021 को जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष को अंजाम दिया गया था, जहां गोली मारकर 5 लोगों की हत्या हुई थी। बाकी सब कुछ ये दादा बताएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आंखों के सामने में उस तस्वीर को देखा था, उस मंजर को देखा था, जब तड़ातड़ गोलियां चल रही थी और इनके आंखों के सामने में लोग गोली लग करके गिर रहे थे और बाबा को भी गोली लगी थी। क्या नाम हुआ आपका बाबा? परशुराम यादव। परशुराम यादव, किस तारीख को घटना हुई थी बाबा? ख्याल ना, 4 अगस्त को, 3 साल पहले, 2021 को। क्या हुआ था बाबा? जमीन के चलते झगड़ा हुआ, एकदम आंख के सामने में एकदम देखा और गया तो देखा कि आवाज हो रहा है गोली का। अच्छा, आपको भी गोली लगी थी? हाँ, हमको भी। आपको भी गोली लगी? जरूर, पैर बच गए। हाँ, अब जिंदा लाश बन करके हैं। रोइए नहीं बाबा, रोइए नहीं। देखिए, ये परशुराम यादव हैं, इनके आंखों के सामने में इनके 2 बेटे की हत्या हुई थी, साथ ही साथ इनके 1 भाई की हत्या हुई थी, भतीजा की, और उनके 2 बेटे की हत्या हुई थी। समझ लीजिए कि इस पूरे परिवार पर क्या बीत रहा होगा। लेकिन जो भी हो, इन लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी। कितना दिन तक कानूनी लड़ाई लड़े? 2 साल 3 साल पहले से कानूनी? हाँ, यानी 3 साल लड़ाई लड़े। हाँ, 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 3 साल। कल 15 आरोपी दोषी हो गए हैं। हाँ, जानकारी मिला आपको लोगों को? हाँ, हाँ, हाँ? हाँ। इस मामला में कितना लोग पर केस किए थे आप लोग? 17 गो पर। 17 गो पर। हाँ, और 15 लोग दोषी हो गए। हाँ, तो क्या चाहते हैं, कितना सजा हो इन लोगों को? अरे, हम तो सोचे कि फांसी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन फांसी न होते जे हाकिम क्या जाए अच्छी होते। लेकिन जमीन के बारे में, जमीन के चलते झगड़ा हुआ है और जमीन सब ऐसी है, हम लोग 50-50 मन को सब ऐसी भूखल मर रहे हैं। अच्छा, जमीन का फैसला होना चाहिए। जमीन का भी फैसला होना चाहिए, जिस जमीन के कारण झगड़ा हुआ। हाँ, अच्छा, उस जमीन के लिए आप लोग टाइटल भी किए थे ना बाबा? हाँ, टाइटल 2010 में किए हैं। 2010 में टाइटल किए हैं? हाँ, 2010 में। और अभी तक टाइटल चल रहा है? चल रहा है। देखिए, आपराधिक घटना का फैसला आ गया, लेकिन टाइटल का भी फैसला नहीं आया? ना, 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 टाइटल का फैसला नहीं हुआ है। टाइटल का फैसला भी हो जाना चाहिए। और इसमें क्या फैसला होना चाहिए? इसमें हम ये नाम कहते हैं कि हमको हिस्सा के मुताबिक हमको जमीन चाहिए।
और इसमें क्या फैसला होना चाहिए जो कल हुआ? ये कल हुआ, इसमें तो ऐसे तो फांसी होना चाहिए, लेकिन अब जो हाकिम के अच्छी हो गए, जो साहब चाहेंगे, हाँ, जो हाकिम हाँ, चाहेंगे हाँ, जो जज साहब चाहेंगे, हाँ, लेकिन फांसी हो, फांसी होना चाहिए, तो अच्छा है, हमको दिल में संतोष होगा, फांसी होना चाहिए। ये देखिए परशुराम यादव हैं जो गोली लगने से जख्मी हुए थे, ये चाहते हैं कि उन तमाम आरोपियों को फांसी हो। खैर 15 आरोपी दोषी हुए हैं इस मामले में। ये देखिए एक छोटा सा बालक है, इससे भी हम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने भी अपने पूरे परिवार को खोया है। क्या नाम हुआ? छोटे कुमार। छोटी? छोटे कुमार। छोटे कुमार जी जी। कहाँ घर है? लोदीपुर। क्या हुआ था? वो जमीन 25-50 बीघा के लिए सब लोग से जोत रहा था, 10 साल से वो। 10 साल से जोत रहा था? 10 साल से वो ही लोग जोत रहा था। किस तारीख को ये घटना हुआ था छोटे? 4 अगस्त 2021। 4 अगस्त 2021 को क्या हुआ था उस दिन? उस दिन 30-35 को गुहार ला के पूरा सब लोग नशे में आके सब ट्रैक्टर से पूरा गुहार ला के मार दिया सबको। अच्छा, खेत जोत रहा खेत था। जोत बात करने में सबको मार दिया। सबको मार दिया? हम लोग माना करने गए, धन गोनी चला के सबको मार के फरार हो। अच्छा, उसके कुछ दिन पहले थाना में भी आप लोग गए थे? हम लोग माना किए, थाना में फोन किए थे तो बोले कि जो करना है जो तुम लोग कर दो। अच्छा, एक महीना पहले दोनों पक्ष के बीच बॉन्ड भी भराया था? बॉन्ड हुआ था, बोला कि दोनों पक्ष से साइन हुआ था, बोल हम लोग नहीं जोत पाएंगे तो तुम लोग भी नहीं जोतना, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा जमीन पर, कोई नहीं जाएगा। लेकिन वो लोग चले गए खेत जोतने के लिए? वो एगो DSP था पंकज मिश्रा, जो बोले कि दोनों पक्ष से साइन कर दो फिर जोतवाद नहीं करने का, और वही वो लोग जोतने चले गए। वो लोग 30-35 गुहार ला के ट्रैक्टर से नशे में मार के चले गए, सबको गोली मार, सबको गोली मार। कितना लोग को गोली लगा था? 9 लोग तो 5 लोग का हत्या हो गया, तो 5 का हत्या हुआ था, और 4 लोग आज भी जिंदा लाश बने हुए, जिंदा लाश बने। कल क्या हुआ कोर्ट में? कल 15 लोग को दोषी पाया गया, दोषी पाया गया 15 लोगों जी को। जी, क्या चाहते हैं, क्या सजा होगा? हम लोग को यही है कि उसको फांसी हो तो हम लोग को दिल में ठंडक मिलेगा, ठंडक मिलेगा दिल में। जी जी। आपके घर से कौन कौन? हमको घर से 2 भाई और 1 पापा थे। 2 भाई और 1 पिताजी? पिताजी चले गए। क्या करते थे पापा? पापा किसानी लाइन खेती बाड़ी करते थे। भाई लोग क्या करते थे? भाई लोग हम लोग खाते थे, कमाते थे, वो भी मजदूरी करके काम करते थे। जी जी। तो देख लीजिए ये छोटे हैं, इनके भी घर से 2 भाई और 1 पिता की हत्या हुई थी।